पर बातचीत करने के लिए बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला हैं। सर, किस तरह का रहा लंच और क्या क्या कुछ खाया? मिला देखिए, एक पार्लियामेंट में अच्छी शुरुआत हुई थी, वो आज विधानसभा में भी हुई। बहुत अच्छा लगा। एक तो माहौल बड़ा अच्छा था, ऐसा बढ़िया प्रचार था कि मोटे अनाज का खाना तो कई लोगों ने खा नहीं रखा था। हम तो बाजरे वाले इलाके के खा रखे हैं। अच्छा लगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट था और एक जो माहौल था वो बड़ा खुशनुमा माहौल था। अच्छा लगा, एक प्रमोशन का बहुत बढ़िया कार्य। आज विधायकों ने लंच किया है मोटे अनाज का, हरियाणा वासियों को भी क्या कहना चाहते हैं? इस मिलेट फूड से कितने फायदे होते हैं, सेहत के लिए कितना फायदेमंद? सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। डॉक्टर भी कहते हैं गेहूँ से शुगर बढ़ता है, तो मैं समझता हूँ मोटे अनाज पे शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा है, खाने में अच्छा रहता है आदमी की सेहत के लिए। राजस्थान में देखो आदमी बड़े लंबे कद के मिलेंगे, सेहत से अच्छे मिलेंगे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है खाना। किसानों को सर इसके उत्पादन से कितना फ़ायदा, जो मोटे अनाज का? देखिए, सस्ता भी है, हर मौसम में हो सकता है, बरसात नहीं हो तो भी ये हो जाता है। एक बरसात हो जाए तो उसमें बाजरा हो जाता है, इसको ज़्यादा पानी पे डिपेंड नहीं, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती। आपको वैसे भी जिसे कहें कि हम जो कहते हैं ना कि उसे क्या कहते हैं, एग्रोबेस या जिसे बिना फर्टिलाइज़र के जो हो वो खेती है। यूएन भी इस साल जो है मिलेट फूड मना रहा है देश के साथ साथ, कैसा देखते हैं आप? नहीं, बहुत बढ़िया है, सारे इसे मना रहे हैं। अच्छा है, नई जनरेशन को, नए लोगों को इसके साथ जुड़ने का मौका मिलता है, लोगों को जानकारी मिलती है। बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला, इनका कहना है कि मिलेट फूड को खाने से बहुत शरीर के लिए फायदेमंद होता है। कैमरामैन ललित के साथ गुलशन ग्रोवर, चंडीगढ़।